डिंडौरी जिले के जल्दामुड़िया गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। यहां शराब बेचने और पीने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित किया। डिंडौरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत के जल्दामुड़िया गांव में अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने ग्राम सभा में पैसा एक्ट के तहत ग्राम में शराब बनाकर बेचने एवं पीने पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू होने के बाद यह जिले की पहली ग्राम सभा है जिसने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव की जानकारी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लगी तो उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट कर ग्रामीणों की प्रशंसा की। जल्दामुड़िया गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि 30 दिसंबर को पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जहां गांव की महिला और पुरुषों ने एकमत होकर गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाने की आवाज उठाई थी। पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा आयोजित कर तय किया गया है कि ग्राम जल्दामुड़िया में कोई भी शराब ना बनाएगा और ना पीगा। जो भी गांव का व्यक्ति शराब बनाता बेचता पकड़ा जाएगा, उसको 1,000 रुपये जुर्माना लगाएगा। इसके बाद ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि गांव में जो भी ग्रामीण शराब बनाते या बेचते पाया जाएगा, उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गांव की सरपंच सुनीता वनवासी ने बताया कि साथ ही गांव में जिस घर में शादी विवाह जन्मोत्सव या पूजा होगी, उस घर के लोगों को ग्राम सभा में आकर जानकारी देनी होगी, तब उन्हें उपयोग के लिए 4 लीटर शराब तक की छूट मिल सकेगी। ग्रामीण महिलाओं में इस फैसले का स्वागत करते हुए इस फैसले की सराहना की है। नशा मुक्ति के संबंध में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया, जिसमें शादी विवाह रीति रिवाज के अनुसार 4 लीटर शराब समिति के निर्णय के अनुसार छूट की प्रबंधित किया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।